नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। दुर्गा पूजा माता का यह नवरात्र दिन 9 दिनों का त्यौहार। इस बार कोरोना काल के वजह से जो गाइडलाइन है उसके चलते जो पंडाल बना करते थे इस बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2019 की मैं बात करूं तो कई सड़कें जो है जो यातायात है वो काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण यातायात को ब्लॉक किया जाता था। यही डक बंगला चौराहा से ठीक समीप यहां पे एक पंडाल हुआ करता था जो कि हर एक बार पूरे पटना में पूरे बिहार में पहले नंबर पे और इनामी यह पंडाल हुआ करता था। लेकिन इस बार आपको ना ही पंडाल मिलेंगे और ना ही मूर्ति। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मूर्ति के जगह पे दुर्गा माँ का एक फ्लैक्स के जरिए बस मूर्ति का आकार का फ्लैक्स यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि कलश स्थापना लोगों ने की है यहाँ पे, लेकिन लोगों में यह रोष है कि चुनाव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं और वहीं पूजा के लिए ढेर सारे गाइडलाइन यहाँ पे। हालांकि जिन संस्थापक हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ मास्क सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बहुत अंदर है, आज के दिन में सब बंद कर दिया है। देखिए रैली वाले में कुछ नहीं, राजनीति में देख रहे आज के दिन में हजारों इतने आदमी आ जाता है, इसमें क्या कोरोना नहीं होगा? 10,000-20,000 अपना बनाता है, मास्क पहनो वही पहनो। आज के एक रैली में देखिए कोई आदमी मास्क नहीं पहनता है। अभी कोरोना आगे बहुत आगे बढ़ेगा, इसको बंद करवाना चाहिए होता है। सिर्फ पूजा बंद करने से नहीं ना होता है, रैली में भी बंद करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए होता है। हम देखते हैं एक एक रैली में सब जगह हो रहे, प्रधानमंत्री का रैली कोई पार्टी के भी, इसमें इतना आदमी आ जाता है बिना मास्क पहन करके, वो भी थोड़ा बंद करना चाहिए होता। हम तो मीठापुर से आए, हर एक साल आते थे, ऐसा माहौल इस बार क्या अलग लग रहा है? इस बार तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। अच्छा घूमने आए, फिर भी घूमने आए, दिन आए हैं और पहले भी आए? नहीं पहले भी आए थे, पहली बार आए? नहीं पहले बार नहीं, पहली बार अभी आए हैं। मतलब डेली तो आती ही है, बहन रहती है यहाँ पे बगल में मेरी। लास्ट ईयर थे हम लोग घूमने आए थे फ्रेंड लोग के साथ, तो हाँ बहुत बड़ा था मूर्ति और जो भी था यहाँ पे बहुत अच्छा था। और इस साल ये COVID-19 के कारण पूरा पटना में ही ये हाल है, पूरा बिहार या नेशनल लेवल पर भी देखे तो दुर्गा पूजा का यही हाल है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी यही सब दिख रहा है। सबसे पहले मैं तो सारे बिहार वासियों को बधाई देता हूँ दुर्गा पूजा का, और यह नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाबंगला रोड पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस है। सूर दूर काफ़ी जगह दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए माँ का। इस बार कोरोना के कारण ये गाइडलाइन थे कि कोई पंडाल नहीं बनाना है, कुछ मूर्ति नहीं बनानी है, तब हम लोगों ने कलश स्थापना किया। आप जो देख रहे हैं जो फ्लैश का बस उसी का पूजा कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी निराशा है इस कारण से कि काफ़ी लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन उनको कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ना मेला कुछ नहीं। हमने लोगों से बात की, कई लोग इससे नाराज़ भी हैं, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जो इस बार कोरोना के वजह से इस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना बेहद ज़रूरी था। और दुर्गा पूजा हर एक साल आता है, माँ का आराधना दिल से होता है, लेकिन कईयों के यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनावी समय में चुनावी जो रैलियाँ हो रही है उन पे कोई गाइडलाइन नहीं और सिर्फ पूजा के लिए इतने सारे गाइडलाइन। फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।